उत्तराखंड में अगले साल यानी 2022 के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार में बदलाव किए जा रहे हैं। 9 मार्च की शाम घड़ी में 4 बजे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। सौंपने के बाद जो बातें कही उसके भी मायने कई निकाले जा रहे हैं। तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की, अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। अब सवाल ये कि आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो भी तब जब चुनाव में मात्र 1 साल का वक्त ही बचा है। इसके पीछे वजहें भी कई सारी बताई जा रही है। पहली वजह सीएम रावत को लेकर विधायकों की नाराजगी, दूसरी वजह त्रिवेंद्र रावत की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही, तीसरी वजह कैबिनेट के सभी 12 पदों को नहीं भरा गया। बातें कई सारे निकल के सामने आ रही हैं, कयासों का दौर जारी है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत इस्तीफा देकर खुशी नजर आए। अब अगले सीएम को लेकर 10 मार्च तक फैसला हो सकता है। इसी बीच सवाल ये भी कि आखिर उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है जो 1 साल में पहाड़ों पर ऐसा कमाल कर दिखाए जिससे बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में अच्छी खबर आए। इस रेस में कई नाम हैं, जिनमें एक हैं धन सिंह रावत जो राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के। श्रीनगर गढ़वाल से विधायक हैं और बीजेपी के संगठन मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। धन सिंह रावत को देहरादून भी बुलाया गया, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः बड़ी जिम्मेदारी धन सिंह रावत को दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरा नाम है सतपाल महाराज का, जो कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार में। दरअसल साल 2017 में भी सतपाल महाराज का नाम सीएम के लिए चर्चा में था। सतपाल महाराज की उत्तराखंड की राजनीति में अच्छी पकड़ रही है। साल 2009 में कांग्रेस से सतपाल महाराज बीजेपी में शामिल हुए थे। सतपाल महाराज के बाद अगर बात करें तो एक और नाम है जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेजी से हो रही है, वो है अनिल बलूनी, जो कि राज्यसभा सांसद है। सांसद बनने के बाद उत्तराखंड के लिए कई योजनाओं को अनिल बलूनी ने लागू कराया है। इसके अलावा केंद्र और उत्तराखंड के बीच तालमेल बैठाने में भी माहिर है। इसके अलावा 2 और ऐसे नाम है जिसे लेकर चर्चाएं खूब गर्म है। एक है रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री है, उत्तराखंड के ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, जनता के बीच अच्छी पकड़ भी है और उत्तराखंड की राजनीति की अच्छी समझ भी रखते हैं। हरीश रावत को करारी शिकस्त देने वाले नेता भी चर्चा में हैं। नाम है अजय भट्ट, सांसद है नैनीताल से। इनकी बीजेपी में पकड़ काफी अच्छी है, हरीश रावत को हराने का फायदा भी इन्हें मिल सकता है। अगर किसी सांसद को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाती है तो सरकार को 6 महीने के अंदर उपचुनाव भी कराना होगा, जबकि अगले ही साल यानी कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, इस पर नजरें सभी की टिकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।